हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिफेंस ली। देखिए, यूपीएससी ने एनडीए 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो जो भी एनडीए का फॉर्म अप्लाई किया था, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि एनडीए 2021 का एडमिट कार्ड आप लोगों का आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एनडीए का एग्ज़ाम 14 नवंबर को होगा शायद। हाँ, ऑल इंडिया में एक ही दिन होता है, 14 नवंबर को होगा इस बार। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र या आप अपना गूगल में जाके सर्च कीजिएगा एनडीए 2021 एडमिट कार्ड, देन क्लिक कीजिए। फिर आपके ऊपर सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पर क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए, यूपीएससी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे दिखाया गया है ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। देखिए, यहाँ डेट इश्यू दिखाया गया है 22 दिसंबर, मतलब आज की डेट है, और लास्ट डेट 14 नवंबर है, मतलब आप एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक हेयर है, यहाँ पर क्लिक करें। चलिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन खुल के आ गया, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ऐसे मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, आप भी पढ़ के नीचे स्क्रॉल करें और यस बटन पे क्लिक करें। चलिए, मैं यहां यस बटन पे क्लिक करता हूं। देखिए, एक पॉपअप खुल के आ गया है। यहां दिखाया गया है बाय रजिस्ट्रेशन आईडी एंड बाय रोल नंबर। देखिए, बाय रोल नंबर वही लोग करेंगे जो एनडीए 1 का फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, तो वो लोग बाय रोल नंबर कर सकते हैं क्योंकि एनडीए 1 का एडमिट कार्ड आ चुका था। चलिए, मेरे पास रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो मैं बाय रजिस्ट्रेशन आईडी करूंगा। यहाँ एक चीज़ और ऑप्शन दिख रहा है, फॉरगेट आरआईडी, मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी। तो अगर आप भूल चुके हैं तो वहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ बाय रजिस्ट्रेशन आईडी करूंगा। चलिए, यहाँ नया पॉपअप खुल चुका है। चलिए, यहाँ पर अब मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहा है। मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करता हूँ, 1212। चलिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे फिल कीजिएगा, मैं अपना फिल कर रहा हूँ। चलिए, ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी फिल। एंड अब मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ। देखिए, आप वो डेट ऑफ बर्थ दीजिए जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम दिए थे। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। और ये कैप्चा मांग रहा है, सिंपल सा कैप्चा होता है, जो वहाँ पर दिख रहा है वो फिल करना है। चलिए, मैं अपना कैप्चा फिल कर देता हूँ। और ये मैंने कर दिया अपना कैप्चा फिल, और अब सबमिट बटन पे करूँगा क्लिक। यहाँ दिख रहा होगा सबमिट, वहाँ पे क्लिक करें। मैं करता हूँ और ये लोडिंग ले रहा है। चलिए, देखिए, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ई एडमिट कार्ड। नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। हालांकि जो ऊपर दिखाया गया था इंस्ट्रक्शन, वही इंस्ट्रक्शन यहाँ भी दिखाया गया है, लेकिन आप तीनों पेज को प्रिंट आउट करना अनिवार्य है और पढ़ के जाएँ तो ही अच्छा है। देखिए, मेरा यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, मेरा नाम दिया गया है और मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी भी दिखाया गया है और टाइम एंड डेट दिया गया है। मेरा सेंटर देखिए रांची दिया गया है, तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप इस तरह से अपना एडमिट कार्ड एनडीए 2021 का डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप एनडीए 2021 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें सारी बातें पता चल गई होगी। आप नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए, मैं ये अपना सेव कर लेता हूँ। मैं सेव कर चुका हूँ, तो मैं सेव नहीं करूँगा, और आप प्रिंट आउट करवा के इसे ही लेके जा सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड या डिफेंस जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो डिफेंसली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।